नमस्कार, अब खबर हरियाणा के चरखी दादरी से। चरखी दादरी के ब्लॉक ग्राउंड में आज सुबह राजकुमार सैनी सांसद ने चाय पानी हुआ है कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक जनसभा को किया संबोधित। सांसद राजकुमार सैनी आज चरखी दादरी के गांव के पास आज सुबह चरखी दादरी के ब्लॉक बोन कलम में और शाम की चरखी दादरी में जनसभा संबोधित करते हुए तो शाम हल्के में दौरा करेंगे। सांसद राजकुमार सैनी के जनसभा में पहुंचने के बाद 35 बिरादरी के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और सांसद राजकुमार सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि दौरे पर हैं, वह प्रदेश के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और अन्याय पिछली सरकारों ने मजदूर पिछड़े वर्गों के साथ किया है, उसका सरकार से जवाब मांगना है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश को लूटा है, अब राहुल गांधी से सवाल करते हैं बीजेपी ने क्या किया। जनता को कांग्रेस से सवाल मांगना चाहिए कि 50 साल उन्होंने राज किया, उसके बाद उन्होंने जनता को क्या दिया। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र हुड्डा की सरकार चाहती तो आरक्षण का समान बंटवारा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पता करना चाहिए कि आरक्षण से किस किस बिरादरी को कितनी नौकरियां मिली हैं, तो आंकड़े से पता चला है कि 10% ले गए 50% नौकरियां और 50% को केवल 10% नौकरियां मिली, जो एक बड़ा भेदभाव है। उनकी इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने इस आवाज को उठाने के लिए बंसीलाल की सरकार छोड़ी, फिर इनेलो को छोड़ा और अब सरकार में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चरखी दादरी से चैंडी लाइव के लिए साहिल गिरधर की स्पेशल रिपोर्ट।